जो बात हुड्डा साहब ने कही थी, उन्होंने विधानसभा के पटल में भी ये बात रखी थी कि राइस पैडी परचेज के अंदर इरेगुलरिटीज है। हमने उनकी बात से पहले ही एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कराया, और हिंदुस्तान का इकलौता स्टेट हरियाणा जिसने एक बार नहीं पैडी प्रोक्योरमेंट में दो बार फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया, और आज के दिन केवल मात्र 36,000 मेट्रिक टन हमारे यहाँ पर पैडी कम पाई, जबकि हमारी टोटल परचेज 64,00,000 मेट्रिक टन से ज्यादा है। उसकी अगर मात्रा आधा परसेंट है तो आधा परसेंट, जबकि इनके सबके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी मिलर के पास, क्योंकि वेट कम होता है पैडी का अबाउट टाइम, अगर कमी मिलती है तो 1% की डिफरेंशिएशन उसको माफ होती है मॉइस्चर के नाम। उसके बावजूद भी जिस जिस मिल में 1% से ज्यादा थी हमें कमी मिली, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया। अगर कोई व्यक्ति ये हम पर कहता है कि इस सरकार के दौरान घोटाला हुआ, तो मैं उसको आज आपके साथ, सीएम साहब भी बैठे हैं, सारे बैठे, खुले तौर पर कहता हूँ कि रिकॉर्ड लाइन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2013 के अंदर, और उस समय प्रोक्योरमेंट आज के हिसाब से 60% थी। उस समय भी 65,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा की शॉर्टेज ईयर एंडिंग पे आई। हमने तो उसके बावजूद भी ईयर स्टार्टिंग के अंदर दो बार फिजिकल वेरिफिकेशन कराई है, और जब तक पैडी की पीडीएस के अंदर एफसीआई के माध्यम से सप्लाई रहेगी, हमारा विभाग बियॉन्ड टाइम इसको बारी बारी वेरीफाई कराएगा। घोटाला जब होता, जब पैसा हमने दिया था, आज भी हमने 700 करोड़ रुपया ऐसे मिलर्स का होल्ड किया हुआ है जिन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में पैडी नहीं मिली। अगर हम उनको पूरा पैसा दे दें और उसके बाद कमी मिले तो ये घोटाला माना जाता है। हम तो आज भी रिकवरी कर रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, मैं तो खुलकर कहता हूं कि हुड्डा साहब लिखित में दे दे, हम पिछले 10 साल की सीबीआई जांच करा लेंगे, और उसके बाद आंकड़े आपके सामने बताएंगे कि असली धान घोटाला किसके राज में हो।